FNO, कैश काउंटर्स और इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स। आज बारी है डेट फंड्स की। हमारे बहुत लाखों दर्शक निवेश करते हैं डेट फंड्स में। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको मंथली इनकम मिलती है, और दूसरा अगर आप पैसा रखें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में तो आपको कम से कम सेविंग अकाउंट से बढ़िया टैक्सेशन दिखता है सरकार की तरफ से। सबसे पहले मेरा प्रश्न कोहली साहब आपसे ये होगा, छोटी अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए क्या टैक्स रेट्स हैं डेट इक्विटी डेट फंड्स के लिए? जी हाँ बिल्कुल शैल जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि डेट फंड्स जो हैं वो बैंक के रेट से बहुत बेहतर रिटर्न कई दफे देते हैं। और आप देखिए कि जो एसेट्स कैपिटल एसेट्स जिनको हम बोलते हैं शैल जी, वो अलग अलग पीरियड में लॉन्ग टर्म माने जाते हैं। हमने देखा कि इक्विटी में और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक साल की अवधि में लॉन्ग टर्म बनता है, प्रॉपर्टीज में ये दो साल में लॉन्ग टर्म बनता है, और डेट फंड्स में शैल जी ये तीन साल में लॉन्ग टर्म, मतलब 3 साल की होल्डिंग आपको रखनी पड़ेगी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ उठाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या टैक्स रेट्स हैं। अगर आप इसको 3 साल से पहले बेच देते हैं, मतलब निवेश करने की डेट से लेके और 3 साल के अंदर अंदर आप इसको बेच देते हैं, तो उसमें जो टैक्स लगेगा, जो कैपिटल गेन आएगा, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस स्लैब में आप हैं, मतलब आप मान लीजिए ओल्ड रिजीम में 5% 20% 30% स्लैब में है, उसी में जाके जुड़ जाएगा और उसी स्लैब रेट के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा। अगर आप इसको 3 साल या उससे ऊपर रखते हैं तो उस केस में 20% टैक्स का प्रावधान किया गया है, 20% के रेट से टैक्स ये लगाया जाता है। ये राय आपको टैक्स रेट्स पर मिली। अच्छा ये बताइए कोहली साहब, एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट आपको आता हुआ दिखता है डेट फंड्स के टैक्सेशन पर, जिसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी आपने खरीदारी की है डेट फंड्स की, उस साल जो प्राइस होगा जब आप बेचेंगे तो आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। इस पर थोड़ी प्रकाश डालिए कोहली साहब कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा एक लंबी अवधि के डेट म्यूचुअल फंड होल्डर को कैसे मिलता है? हाँ बिल्कुल, 3 साल या उससे ऊपर जब आप रखते हैं शैल जी किसी भी डेट फंड को, तो आपको बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है। अब इंडेक्सेशन क्या होती है जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसका नाम है। भारत सरकार हर वर्ष एक इंडेक्स निकालती है। ये इंडेक्स ये बताती है कि जो इन्फ्लेशन के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले कॉस्ट में इन्फ्लेशन हुआ है उसको डिफाइन कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस साल की, मतलब जो वित्त वर्ष 2021 चल रहा है, इसकी इंडेक्स चल रही है 301, पिछले साल की इंडेक्स थी 289, 289 तो 289 से 301 बढ़ के आई। इसका मतलब सरकार ने यह माना कि इनकम टैक्स के जो कैपिटल एसेट्स है इनकम टैक्स में, उन पे इतना इजाफा हुआ है। तो अब जो एसेट आपने खरीदा जिस साल में, ये हम 3 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं, ये हम फिर से बताना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर डिवाइड करते हैं, उसमें 3 साल आपको रखना जरूरी। तो अगर आप 3 साल पार करते हैं तो आप इंडेक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जिस साल में आपने खरीदा उस साल की चार्ट में देख के आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने 15-16 में कोई एसेट खरीदा, डेट फंड खरीदा 1,00,000 रुपए का, उस टाइम जो इंडेक्स थी वो 254 थी, आज जब आप उसको बेच रहे हैं तो इंडेक्स 301 है। तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो 1,00,000 थी, आज मान लीजिए आपने 1,50,000 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट 50,000 नहीं माना जाएगा, आपको जो कॉस्ट है वो 1,00,000 से इन्फ्लेट कर दीजिए उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ी है। तो इससे टैक्सपेयर्स को लाभ क्या होता है कि वो अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि कैपिटल गेन निकलता है सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटा के, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपका जो कैपिटल गेन है वो घट जाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि आपका टैक्स भी घट जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया टैक्स प्लानिंग अगर डेट फंड्स में शैल जी है तो वो इस इंडेक्सेशन के माध्यम से है। आपने बिल्कुल जो डेट फंड में जादुई बात है वो पकड़ ली। ओके, तो अभी अब तक हमने टैक्स रेट्स को समझा, इंडेक्सेशन की प्रक्रिया को समझा, याद रखिएगा। लेकिन सर अब आते हैं, हम तीसरा प्रश्न अमूमन यही पूछते हैं कि जब हम उन इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो कैसे अपना टैक्स रेशनलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड पे अपनी जो टैक्स की देनदारी है
वो आप कैसे बचा सकते हैं, इस प्रक्रिया को समझाइए। जी हाँ, देखिए पहला जो मूल मंत्र है वीरेंद्र डेट म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स बचाने का, वो है कि आप अपना, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आप 3 साल से कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से 3 साल या उससे ज्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म। अब पहले आप ये देखें कि आप कौन से स्लैब में हैं। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है और आपका स्लैब रेट लो है, मतलब ओल्ड रेजीम में 5% पे हैं आप और न्यू रेजीम में भी आप 20% से नीचे के स्लैब पे हैं, तो अगर आप इस पर हैं और आपको रेट अच्छा मिल रहा है तो बेहतर है कि आप 3 साल से पहले अपना रिटर्न लेके एग्जिट कर जाएं। उसका लाभ क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% है, आप लोअर स्लैब में, शॉर्ट टर्म में वो लोअर स्लैब पे जाता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको एग्जिट कर जाए 3 साल से कम। अगर आप 20% से ज्यादा के स्लैब में हैं, मतलब आप 30% ओल्ड रेजीम में या न्यू रेजीम में आप 20% से ऊपर है, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, आपको इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में इनकैश करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर मात्र 20% टैक्स लगेगा, जबकि आप एक्चुअली 30% स्लैब या 25% स्लैब में फॉल करते हैं। तो यह सबसे बढ़िया जो टैक्स प्लानिंग का तरीका है वीरेंद्र, वो ये है। एक और इसमें मैं बात जोड़ दूं अगर आप इजाजत दे तो, वो ये है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है मार्च में आके अपना जल्दबाजी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जैसे ही 31 मार्च डेट निकलेगी, 1 अप्रैल को सरकार एक नई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसका अभी शैल जी जिक्र कर रहे थे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू सरकार डिक्लेयर कर देती है, तो उसके डिक्लेयर करने से आपको जो लाभ मिलने वाला है इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, वो लाभ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है। तो अगर आपको पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है 31 मार्च के बाद, तो मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है, आपको एक नई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू का लाभ उठाने। जी, तो कोहली साहब बहुत बखूबी आपने समझाया कि 31 मार्च से पहले सारी फिकवाली ना करें, इंतजार करें 1 अप्रैल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है और शायद आपका टैक्स आउटगो कम होता हुआ दिखे। कोहली साहब, आज के लिए यहां पर विराम लगाते हैं, लेकिन कल आपसे डिस्कस करेंगे बॉन्ड और डिबेंचर के टैक्सेस और उनका ट्रीटमेंट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। दिन का लोएस्ट लेवल 150।